नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। एक नजर डालेंगे खास खबर पर। फिल्म टाइटैनिक तो आप सभी ने देखी होगी और आप सब इस बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि टाइटैनिक जहाज का 10 अप्रैल से गहरा नाता है। ये बदकिस्मत जहाज 10 अप्रैल के दिन ही 1912 में ब्रिटेन के साउथम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली और अंतिम यात्रा पर रवाना हुआ था। वैसे टाइटैनिक जहाज का जिक्र आते ही इससे जुड़ी दुर्घटना के तमाम मंजर आंखों के सामने से गुजर जाते हैं। जानिए टाइटैनिक से जुड़े कुछ खास रहस्य के बारे में। टाइटैनिक जहाज का 10 अप्रैल से गहरा नाता है। वो बदकिस्मत जहाज जिसकी पहली यात्रा बनी अंतिम यात्रा। हादसे के 75 साल बाद डूबे टाइटैनिक के मलबे को निकाला गया था। हादसे में हजारों लोगों की जान गई थी। वैसे ये भी हकीकत है कि जहाज कब बना, किसने बनाया, ये कब अपनी यात्रा पर निकला, ये सब तथ्य 1957 में आई फिल्म टाइटैनिक ने धुंधले कर दिए और याद रह गई जेम्स कैमरन की ये शानदार फिल्म। विशाल जहाज के डेक पर बाहें फैलाए खड़े लियोनार्डो डी कैप्रियो और केंट विंसलेंट, नीले हीरे वाली माला और पानी का रौद्र रूप। टाइटैनिक दुनिया का सबसे खूबसूरत और बड़ा जहाज था। इस जहाज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब 14 और 15 अप्रैल के बीच 1912 की रात को ब्रिटिश जहाज टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से टकराकर उत्तरी अटलांटिक सागर में डूब गया। इस दुर्घटना में 1513 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि टाइटैनिक भी सागर की गोद में समा गया था। इस हादसे के 75 साल बाद डूबे टाइटैनिक के मलबे को निकाला गया था। हालांकि टाइटैनिक डूबने की वजह बर्फ के पहाड़ से टकराना था, लेकिन कई और रहस्य इसके साथ जुड़े हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आइए टाइटैनिक जहाज से जुड़े अनसुलझे रहस्य को जानते हैं। टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा के दौरान ही हादसे का शिकार हो गया, लेकिन इस हादसे से कुछ साल पहले एक बुक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था द व्रेक ऑफ द टाइटन और फ्यूचुअलिटी था। इस बुक की कहानी दुनिया के सबसे बड़ा जहाज के डूबने पर आधारित थी। इसके बावजूद टाइटैनिक में उस तरह के इंतजाम नहीं किए गए थे। ऐसा माना जाता है कि इस हादसे को टाला जा सकता था, क्योंकि इस हादसे में दूरबीन थी जो कि निगरानी डेक में थी, लेकिन किसी के पास उस डेक की कुंजी नहीं थी। हम सभी जानते हैं कि सभी यात्रियों को बचाने के लिए ब्रिटिश जहाज में पर्याप्त मात्रा में लाइफ बोट नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि 14 अप्रैल 1912 को एक लाइफ बोट ड्रिल होने वाला था। हालांकि किसी कारणवश इस ड्रिल को टाल दिया गया था। इसके कुछ घंटों बाद ही टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकराकर हादसे का शिकार हो गया। टाइटैनिक जहाज की सभी तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जहाज में 4 चिमनियां हैं, लेकिन वास्तविक रूप में केवल 3 चिमनियां ही काम कर रही थी। चौथी चिमनी खूबसूरती के लिए दी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश जहाज के कैप्टन स्मिथ के ये अंतिम सफर था। इसके बाद वो सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन ये उनके जीवन की अंतिम यात्रा बन गई और यह हादसा ऐतिहासिक हो गया। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।